हेलो स्टूडेंट्स तो आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर टू ऑफ क्लास नाइन सी बी एस दैट इज इज मैटर अराउंड अस प्योर इससे पहले हम इसके दो लेक्चर्स पढ़ चुके हैं आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कोलोइडल सोल्यूशन एंड सस्पेंशन के बारे में सस्पेंशन एंड कोलॉयड्स सो सस्पेंशन एंड कोलॉयड्स आर द टाइप्स ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स इससे पहले के लेक्चर में हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर यानि ट्रू सोल्यूशन के बारे में बात कर चुके हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है वो हम देख चुके हैं आज के लेक्चर में हम लोग हेट्रोजीनियस मिक्सचर यानि सस्पेंशन एंड कोलॉयड्स के बारे में बात करेंगे सो लेटर स्टार्ट अगर मैं सस्पेंशन की बात करती हूँ तो सस्पेंशन इज टोटली अपोजिट टू दैट ऑफ ट्रू सल्यूशन सस्पेंशन जो होता है है इसको हम अपनी नेकेड नेकेडाइज से देख सकते हैं ठीक है फॉर एग्जाम्पल आई हैव मेड अ मिक्सचर बाय डिजोल्विंग सैंड इन वाटर ठीक है तो हम क्या देखते हैं जब मैंने उसे डिजोल्व करने की कोशिश करी तो वो थोड़ी देर उस सल्यूशन में डिजोल्व हो रहा है हो रहा है वेन आई कीप इट अनडिस्टर्ब तो थोड़ी देर में क्या होगा वेन आई लीव इट अनडिस्टर्ब तो क्या होगा वो थोड़ी देर में नीचे जाके जो सैंड के पार्टिकल्स हैं जो हैवी है वो नीचे जाके सेटल डाउन हो जाएंगे ठीक है तो हम इसको हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्यों बोल रहे हैं सबसे पहले उसका रीजन जानते हैं राइट तो क्यों है वो देखेंगी नीचे से जब आप उसको देखोगे तो आपको उसमें स्टोन पेबल्स ये सारी चीजें दिख रही होंगी ओके सो बेसिकली जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होती है वो क्या कहलाते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स कहलाते हैं हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सो so, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। इसके पार्टिकल्स जो होते हैं हम आसानी से अपनी आंखों से देख सकते हैं है, है, बट है, है? इसका जो साइज होता है इसके पार्टिकल्स का इट इज अप्रोक्सीमेटली मोर देन हंड्रेड टाइम्स यानी हंड्रेड नैनोमीटर से बड़ा होता है ठीक है तो इसके जो पार्टिकल्स है वो हम आसानी से देख सकते हैं चलिए कुछ इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अगर मैं सस्पेंशन की बात करूं तो जैसा कि मैंने आपको बताया इट इज अट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच द सोल्यूड पार्टिकल्स डू नॉट

वो कैसा होता है हेट्रोजीनियस होता है हेट्रोजीनियस क्यों होता है क्योंकि इसकी कॉम्पोजिशन कैसी होती है नॉन यूनिफॉर्म ऑल राइट सो इट हैज नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन सो इट लाइज अंडर द कैटेगरी ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सर इसके जो पार्टिकल्स का साइज होता है इट इज ग्रेटर देन नैनोमीटर तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं दे कैन बी सीन बाय नेकेड क्योंकि इनका पार्टिकल साइज क्या है कंपैरेटिवली बड़ा है अब पार्टिकल साइज भी बड़ा है सोल्यूशन जो है उसमें क्या होगा कि सॉल्यूट पार्टिकल्स नीचे जाके सेटल डाउन भी हो जाएंगे ठीक है तो क्या हम इसके सॉल्यूड पार्टिकल्स को सिर्फ फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर सकते हैं आप इमेजिन करके देखिए कि आपने सैंड और पानी को मिलाया है तो जब आप उसको फिल्ट्रेशन का करोगे तो फिल्टर पेपर में क्या होगा सैंड और जो भी बड़ी इंप्योरिटीज होंगी वो रह जाएंगी ठीक है और हमें नीचे क्या मिल जाएगा फिल्ट्रेट मिल जाएगा ऑल वो फिल्ट्रेट भी प्योर नहीं होगा हमारे पास बट एज अ रेसिड्यू वी कैन ऑप्टेन द पार्टिकल्स ओके सो द सोल्यूट पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय

The में क्या होता है ये जो लाइट होती है ये स्कैटर तो होती है ठीक है और क्या होता है बट एक सर्टेन इंटरवल के लिए जब तक आपने फ्रेशली प्रिपेयर किया है जब, तक वो, uh, जो है, आपको वो है जब तक वो स्टेबल है तब तक वो क्या करेगा लाइट को स्कैटर करेगा अपने थ्रू ठीक है और उसका जो पार्थ होगा वो भी आपका विजिबल होगा ठीक है सो द पार्टिकल्स कैटर द बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट सो दीज समेम आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन इसके बाद एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन इसको हम एक ही पॉइंट में सब कुछ देख सकते हैं कि क्या बोल रहा है द सल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन

एनी मोर मतलब इसके बाद क्या होगा जो लाइट है वो स्कैटर नहीं हो पाएगी जब तक फ्रेशली प्रिपेयर्ड है आपका सोल्यूशन जब तक वो स्टेबल है तब तक वो आराम से स्कैटर कर रहा है लाइट को बट जैसे ही उसके पार्टिकल्स नीचे जाके सेटल डाउन होंगे तो सस्पेंशन क्या हो जाएगा ब्रेक हो जाएगा एंड इट विल अलाउ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट ओके सो आई होप विद दिस सस्पेंशन इज क्लियर टू यू यहाँ पे कुछ डायग्राम्स भी हैं जिसकी हेल्प से हम ये देख सकते हैं कि आपने यहाँ पे देखा कि ये मिक्सचर है जब हम मिक्सचर को पोर कर रहे हैं हमने फनल ली हुई है ठीक है फनल के ऊपर हमने फिल्टर पेपर लगाया है एक ऐसे कोन बना के उसका ठीक है तो जब हमने देखा कि जब हमने इस मिक्सचर को धीरे धीरे ग्लास रॉड के थ्रू डाला तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे हमें फिल्ट्रेट ऑप्टेन हुआ है और यहाँ पे ये यह जो है ये रेसिड्यू है रेसिड्यू क्या होगा यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ तो ये सोल्यूट के पार्टिकल्स होंगे ठीक है सोल्यूट पार्टिकल्स जिनका साइज काफी बड़ा होगा और राइट सो इन दिस मैनर वी कैन सेपरेट द दॉल्यूट पार्टिकल विद द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन यहाँ पे हमने ये कुछ एक सोल्यूशन की फोटो लगाई है ठीक है हमने इसको थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब रखा है तो ये क्या है यहाँ पे क्या हुआ है सस्पेंशन ब्रेक हो गया आप देख सकते हैं इसके पार्टिकल्स जो हैं वो नीचे जाके सेटल डाउन हो गए हैं तो इट स्टेट्स दैट द सस्पेंशन आर Unstable, all right. So, this will give you the clear image of suspensions. चलिए दूसरे टाइप के हाइट्रोजीनियस मिक्सचर्स के बारे में बात करते हैं दैट इज कोलॉइयड जो इनको हम कोलाइडल सोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं ये थोड़े से मिस्टीरियस हैं जैसा कि अगर मैं बोलूं कि मैंने बोला है कि ये हाइट्रोजीनियस है ठीक है बट जब मैं आपको इसका एग्जाम्पल बताऊंगी तो आपको दिमाग में यही चीज़ आएगी कि मैम ये तो होमोजीनियस है ठीक है तो इसकी खास बात यही है कि एक्चुअली में ये क्या होते हैं हाइट्रोजीनियस होते हैं बट दे अपियर्स टू बी होमोजीनियस अब जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं ना ये ट्रू सोल्यूशन और सस्पेंशन के बीच की प्रॉपर्टीज

छोटे ठीक है तो इसीलिए इसके पार्टिकल्स एक स्पेशल प्रॉपर्टी शो करते हैं दैट इज टिंडल इफेक्ट उसको हम अभी आज के लेक्चर में ही पढ़ेंगे उस टॉपिक को ठीक है तो चलिए सबसे पहले कोलॉइडल सोल्यूशन के बारे में बात कर लेते हैं ठीक है इट इज अट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सबस्टांसिस ठीक है अब इसके जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सल्यूशन मतलब यूनिफॉर्मली स्प्रेड है अब आप देखो इसमें कुछ प्रॉपर्टीज थ्रू सोलूशन जैसे भी पार्टिकल क्या है यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो रखे इसका मतलब इट अपियर्स टू भी होमोजेनियस ठीक है तो यहाँ पे क्या होता है इसकी वजह से क्या होता है इट अपियर्स होमोजेनियस अपियर्स टू बी होमोजेनियस ठीक है तो अगर मैं साइज़ की बात करूं तो इसका जो साइज होता है इट इज़ इंटरमीडिएट बिटवीन दैट ऑफ अ सल्यूशन एंड सस्पेंशन सोल्यूशन का मतलब ट्रू सोल्यूशन की ही हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ठीक है सोल्यूशन कहीं पे भी लिखा होता है तो हमें समझ में आ जाता है कि ट्रू सल्यूशन ही है ठीक है अब क्या होता है इसके पार्टिकल्स का जो साइज़ होता है इट इज़ रिलेटिवली स्मॉलर ठीक है इन कंपेरिजन टू सस्पेंशन देअर फोर द मिक्सचर अपियर्स टू बी होमोजेनियस, बट एक्चुअली कोलोइडल सल्यूशन इज हेट्रोजेनियस मिक्सर ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ठीक है ये क्वेश्चन हमसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछ भी लेते हैं सो इफ आई टॉक अबाउट द एग्जाम्पल्स ऑफ कोलोइडल सोल्यूशन इसका एग्जाम्पल सबसे जो हम रेगुलर बेसिस पे देख सकते हैं दैट इज मिल्क मिल्क क्या होता है मिल्क के अंदर फैट पार्टिकल्स जो होते हैं वो वाटर के अंदर मिक्सड होते हैं ठीक है मतलब मिक्सड भी नहीं होते हैं वो बेसिकली क्या होता है यूनिफॉर्मली हमको मतलब विजिबल नहीं होते हैं नेकेड आइस से बट वो क्या होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है क्योंकि जब हम मिल्क को देखते हैं तो हमें यही लगता है कि होमोजीनियस मिक्सचर है बट एक्चुअली इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ठीक है इसका एक और एग्जाम्पल हो सकता है दैट इज स्टार्च इन वाटर ठीक है स्टार्च को जब वाटर में मिक्स करते हैं आप देखते हैं कि पोटैटो में से जो स्टार्च निकलता है वो भी कैसा दिखता है हमें वो दिखता है कि ट्रू सोल्यूशन है इट अपीयर्स टू बी होमोजेनियस क्योंकि उसकी कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म है बट एक्चुअली इट इज हेट्रोजेनियस, ठीक है सो मिक्सचर ऑफ एग एल्बुमिन इन वॉटर ये भी किसका एग्जाम्पल होता है हमारा कोलोइड का मिल्क मिल्क भी किसका एग्जाम्पल है आपका कोलोइड्स का एयर कंटेनिंग डस्ट एंड स्मोक ये भी किसका एग्जाम्पल होता है कोलॉइडल सल्यूशन का ध्यान से देखना है यहाँ पे एयर जो होता है अगर मैं सिर्फ एयर की बात कर रही हूँ तो एयर इज अ ट्रू सल्यूशन राइट बट एयर के अंदर अगर डस्ट पार्टिकल्स या फिर स्मोक आ गए हैं तो वो क्या कहलाएगा आपका कोलोइड कहलाया जाएगा तो ये एग्जाम्पल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं ठीक है तो अब हमारे दिमाग में ये चीज़ आती है कि मैम हाउ विल वी डिफ्रेंशिएट बिटवीन ट्रू सल्यूशन एंड कोलॉइयडल सल्यू ठीक है तो होगा क्या कि एक तो इसके साइज जो होगा पार्टिकल्स का थोड़ा बड़ा होगा बट इसको देखने के लिए सबसे पहली चीज है फिल्ट्रेशन से भी सेपरेट आउट नहीं हो सकता है आप इमेजिन करो कि आप मिल्क को फिल्ट आ, मतलब अपने घर में ही जो हमारा फिल्टर होता है या जो हमारी चाय वाली छन्नी होती है जब हम उसके थ्रू पास करा रहे हैं ठीक है या जो सीव जिसको हम बोल देते हैं उसके थ्रू पास करा रहे हैं तो क्या होता है उसमें से फैट पार्टिकल्स अलग तो नहीं होते हैं राइट right. तो यानी कि ये फिल्ट्रेशन से सेपरेट भी नहीं हो सकते इसके सॉल्यूट पार्टिकल्स तो ये प्रॉपर्टी भी इसकी ट्रू सॉल्यूशन जैसी हो गई होमोजेनियस मतलब कि ऐसे मैं बोलूं अगर यूनिफॉर्म कंपोजिशन है या यूनिफॉर्मली हमको दिख रहा है डिस्ट्रीब्यूटेड है तो भी ये ट्रू सॉल्यूशन की तरह मैच कर रहा है इसका पार्टिकल साइज होता है वो भी इतना बड़ा नहीं होता है कि वो सस्पेंशन से मैच करे तो हम इनको डिफरेंशियट कैसे करेंगे हम इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं बीम ऑफ लाइट से जब हम कोलॉइडल सोल्यूशन के थ्रू बीम ऑफ लाइट पास कराएंगे ना तो

अपने इसी लेक्चर में All right, तो और राइट तो कोलोइडल सोल्यूशन और ट्रू सोल्यूशन के बीच अगर डिफ्रेंशिएट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पासिंग बीम ऑफ लाइट ओके चलिए तो अब हम देखते हैं कि इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं जैसे हमने ट्रू सोल्यूशन के कंपोनेंट्स देखे तो उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से थे सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट तो सॉल्यूट जो डिजोल्व हो रहा है और सॉल्वेंट जिसमें सॉल्यूट डिजोल्व हो रहा है सिमिलरली अगर मैं बात करती हूँ इसके कॉम्पोनेट्स की तो इसके दो कॉम्पोनेंट्स होते हैं डिस्पर्स फेज एंड डिस्पोर्जिंग मीडियम डिस्पर्जिंग मीडियम को डिस्पर्जिंग मीडियम भी बोल देते हैं कभी कभी ठीक है तो अब क्या होगा कि इसको सॉल्यूट सॉल्वेंट तो हम नहीं बोल सकते क्योंकि वो कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं बट इसमें कंप्लीटली मिक्स नहीं होते हैं ठीक है तो यहाँ पे क्या होगा जो भी सॉल्यूट जैसा कंपोनेंट होता है मतलब जो डिजोल्व कराया जा रहा है ठीक है उसको क्या बोल देते हैं हम डिस्पोज फेज बोल देते हैं ठीक है थीके? और जिसमें आप डिस्पोज फेज को मिला रहे हो या मिक्स कर रहे हो वो क्या कहलाएगा आपका डिस्पोजिंग मीडियम कहलाएगा आप इसकी डेफिनेशन भी एक बार देख सकते हैं द सोल्यूट लाइक कॉम्पोनेंट ऑफ द डिस्पोज पार्टिकल्स इन अलॉइड फॉर्म द

स्टेबल क्योंकि हम देख सकते हैं कि हमें क्या दिखता है आप थोड़ी देर मिल्क को रख दोगे तो ऐसा तो नहीं है कि तो उसके फैट पार्टिकल्स अलग हो जाते हैं ठीक है उन फैट पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए हम एक स्पेशल मेथड यूज करते हैं दैट इज सेंट्री फ्यूगेशन सेंट्री फ्यूगेशन प्रोसेस क्या होता है इसमें हम लोग क्या करते हैं किसी भी जो हमारा मिक्सचर होता है उसको हम तेजी तेज, तेज स्पीड से क्या करते हैं रोटेट कराते हैं तो जब हम रोटेट कराते हैं तो क्या होता है जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे जाके सेटल डाउन हो जाते हैं और जो लाइटर जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो उस पर फ्लोट करने लग जाते हैं और राइट चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं द पार्टिकल्स कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड द पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल इन द सोलूशन दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि टिंडल इफेक्ट सिर्फ कौन शो करते हैं अगर टिंडल इफेक्ट की मैं बात करूं तो ट्रू सोल्यूशन इसको शो नहीं करेगा ठीक है अगर मैं बात करती हूं, suspensions की तो suspensions भी हम लोग बोल देते हैं हैं कि सिर्फ कब करते जब आपने उसको unstable कर दिया, उसको थोड़ी देर के लिए आपने रख दिया तो क्या होगा इट विल नॉट शो टिंडल इफेक्ट तो ये भी नहीं करेंगे बट इफ आई टॉक अबाउट कोलोइड की स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि colloids क्या करते है?

कोलॉइड्स या टाइप ऑफ कोलॉइयडल सोल्यूशन् ठीक है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये हमेशा हमसे पेपर में पूछा जाता है यूजुअली ठीक है चलिए तो देखते हैं एक एक करके जब हम देखेंगे कि डिस्पर्ज फेज हमारा लिक्विड स्टेट में है ठीक है यानी लिक्विड किस में डिस्पर्ज है गैस में तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोल देते हैं ऐसे कोलॉइडल सोल्यूशन को हम क्या बोल देते हैं एरोसोल ठीक है एरोसोल के एग्जाम्पल्स होते हैं फॉग क्लाउड्स मिस्ट ये सब किसके एग्जाम्पल है हमारे कोलॉइड्स के ठीक है जब सॉलिड भी गैस में डिस्पर्स हो सकता है ठीक है तो सॉलिड जब गैस में डिस्पर्स होगा तो इसको भी हम एरोसोल बोल देते हैं ठीक है तो इसके जो एग्जांपल्स होते हैं वो स्मोक ऑटोमोबाइल, एग्जॉस्ट स्मोक में क्या होता है बेसिकली छोटे छोटे स्मोक के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं दे आर डिस्पर्स इन एयर एयर इज अ गैस ठीक है air. Air gas, या ऑटोमोबिल एग्जॉस्ट में क्या होता है छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं बहुत छोटे छोटे सस्पेंडेड पर्टिकुलर मैटर जिनको हम बोलते हैं सो दे आर सस्पेंडेड इन एयर ठीक है तो सॉलिड पार्टिकल्स भी जब एयर में या गैस में क्या होंगे डिस्पोर्ज uh, होंगे या सस्पेंडेड होंगे तो उसको हम क्या बोल देते हैं एरोसोल बोल देते हैं यानी यहां से हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिली कि अगर डिस्पोजिंग मीडियम अगर आपका डिस्पोजिंग मीडियम गैस है ठीक है तो ऐसे कोलोइड को हम क्या बोल देंगे दे आर नेम्ड एज एरोसोल arrow

डिस्पोर्ज फेस सॉलिड हो और डिस्पर्सिंग मीडियम क्या होगा आपका लिक्विड इसको हम क्या बोल देंगे सॉल्व बोल देंगे ठीक है इट बेसिकली इट रिप्रेजेंट की सॉलिड किस में डिजोल्व है लिक्विड में डिजोल्व नहीं सस्पेंडेड किस में है लिक्विड में तो उसको हम सल्यूशन बोलते थे तो इसको हम सल्यूशन नहीं बोल सकते हैं. तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं सॉल्व बोल देते हैं सो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मड दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ

कौन जो होता है आपके घर में जो हम बेसिकली डिश वॉशिंग के लिए यूज कर रहे होते हैं ठीक है या डिशेस को क्लीन करने के लिए यूज कर रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है एयर इज बेसिकली एयर इज डिस्पोर्ज इन सॉलिड ठीक है सो गैस डिस्पर्ज इन सॉलिड इज सॉलिड फोम और सिंपली वी कैन कॉल इट एज फोम ठीक है अब क्या होगा लिक्विड जब सॉलिड में डिस्पोर्ज है तो इसको हम बोल देते हैं जेल ठीक है इसके एग्जाम्पल्स होते हैं जेली चीज एंड बटर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी हमसे पूछ लेते हैं ना सॉलिड विन डिस्पोज इन सॉलिड इसका एग्जाम्पल होता है कलर्ड जेमस्टोन्स मिल्की ग्लास मिल्की ग्लास एक तरीके का ग्लास होता है ठीक है जो कि थोड़ा ट्रांसलूसेंट होता है और राइट सो सॉलिड डिस्पर्स इन सॉलिड इज़ सॉलिड सोल, ठीक है? तो यहाँ पे जब बेसिकली आप देख सकते हो कि सॉलिड सॉलिड में है तो वो सॉलिड सॉल है सॉलिड लिक्विड है है? है। तो वो क्या सो यू नीड टू लर्न ऑल ऑफ दीज इसके एग्जाम्पल्स के साथ इसका नाम इसका डिस्पोर्ज फेस इसका डिस्पोर्ज मीडियम हमें अच्छे से याद होना चाहिए और ओके right? okay. तो चलते हैं अब हम देखते हैं टिंडल इफ़ेक्ट सो वॉट इज़ टिंडल इफेक्ट अभी तक हमें समझ में तो आया ही है इसको हम देख भी सकते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू ये देखिए जो मैंने आपको एग्ज़ाम्पल बताया था कि विंडो पेन में अगर कोई छोटा सा होल है या विंडो है तो वहां से हमें रेज़ ऑफ सनलाइट दिखती है और जब आप इसको बहुत गौर से देखोगे तो आपको इसमें छोटे चुट चुट छोटे डस्ट के पार्टिकल्स दिखेंगे ठीक है तो ये क्या है बेसिकली दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ टिंडल इफेक्ट इस वाले डाइग्राम में आप देख सकते हो कि भीम ऑफ लाइट है एक सोल्यूशन के थ्रू हमने पास करा ठीक है तो इसने क्या कर दिया सीधा का सीधा पास कर दिया लाइट को आप देख सकते हो यहाँ पे यहाँ पे कोई भी ग्लो नहीं आ रहा है ठीक है यानी कि ये जो पाथ है लाइट का वो विजिबल नहीं है इसका मतलब ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं कर रहा है बट यहीं अगर आप इसको देखोगे तो इसमें देखो पाथ ऑफ लाइट विजिबल हो रहा है ठीक है अगर पाथ ऑफ लाइट विजिबल है तो यानी कि ये क्या कर रहा है इट इज शोइंग टिंडल इफेक्ट सिमिलरली डेंस फॉरेस्ट वगैरह जो होते हैं हमारे वहां पे क्या है? होता है मिस्ट होता है ठीक है तो मिस्ट क्या है बेसिकली मिस्ट इज अ टाइप ऑफ कोलॉइड तो कोलॉइड है तो वो क्या करेगा टिंडल इफेक्ट शो करेगा तो चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग टिंडल इफेक्ट की डायरेक्ट डेफिनेशन भी आती है इसके एग्जांपल्स भी आते हैं आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछ लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग शो टिंडल इफेक्ट ठीक है तो हमें देखना है कि जो भी कोलॉइड हैं वो क्या करेंगे टिंडल इफेक्ट शो कर रहे होंगे ठीक है सो व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू अ कोलाइडल सॉल्यूशन द कोलाइड पार्टिकल्स स्कैटर द बीम ऑफ लाइट एंड द पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल इन द सॉल्यूशन दिस इफेक्ट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट इसको आप लोग अपने घर पे भी करके देख सकते हो बहुत नॉर्मली मैं बताती हूँ कैसे करना तीन ग्लासेस लेना कांच के ठीक है तीन ग्लासेस लेने के लिए हमने क्या किया ये इसको नाम दे दिया ए इसको नाम दे दिया बी इसको नाम दे दिया सी ठीक है ए में आप क्या करना यू नीड टू एड सॉल्ट एंड वॉटर ठीक है सॉल्ट एंड वॉटर का सल्यूशन प्रिपेयर कर लेना इसमें आप डाल लेना चौक या आप डाल लेना सैंड एंड वॉटर ठीक है और इसमें डाल लेना आप मिल्क थोड़ा सा और उसमें वाटर या सिर्फ मिल्क भी ले सकते हो ठीक है अब हमें क्या करना है हमें तीनों सोल्यूशंस के थ्रू बीम ऑफ लाइट को पास कराना है तो जब हम देखेंगे तो इसमें क्या होगा लाइट जो है वो सीधी सीधी पास हो जाएगी टिंडल इफेक्ट जो नहीं करेगा ठीक है सैंड एंड वाटर भी जब आपने थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब रखा होगा ठीक है तो उसके पार्टिकल्स नीचे जाके सेटल डाउन हो जाएंगे तो ये भी टिंडल इफेक्ट नहीं शो करेगा बट जब आप मिल्क के मिक्सचर के थ्रू आप क्या करोगे लाइट को पास कराओगे बीम ऑफ लाइट को तो आप देखोगे कि वो लाइट जो है उसका पाथ विजिबल हो रहा है उसके जो पार्टिकल्स हैं मिल्क के अंदर वो क्या कर रहे हैं उस लाइट को स्कैटर कर रहे हैं ठीक है ठीके? और उसके पाथ को क्या कर रहे हैं विजिबल करा रहे हैं तो जो हमारा मिल्क वाला मिक्सचर होगा ना उसके अंदर आप देखोगे कि वो जो मिक्सचर है वो ग्लो करने लगा इसका मतलब वो टिंडल इफेक्ट शो कर रहा है ठीक है अब यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स बताए हुए टिंडल इफेक्ट के सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज इट कैन बी सीन वन द लाइट एंटर्स अ रूम थ्रू अ स्मॉल होल ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द डस्ट एंड स्मोक पार्टिकल्स ठीक है सिंपल है इसके बाद टिंडल इफेक्ट कैन बी सीन इन अ डेंस फॉरेस्ट ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय वॉटर ड्रॉपलेट्स इन द मिस्ट ठीक है सो इट विल फॉर्म अ कोलाइडल सोल्यूशन और अगर कहीं पे भी कोलाइडल सोल्यूशन है तो इट विल अंडर गो Tindal effect. So that is all for today and thank you.